ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 49 जगहों पर नगर इकाई के चुनाव हुए थे और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत बेहतर बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। लगभग 21 जगहों पर स्पष्ट बहुमत है कांग्रेस पार्टी को और बाकी जगहों पर सहयोगी लोगों के साथ मिलकर हम बोर्ड बनाने की स्थिति में हैं। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये भ्रम था कि शहरी क्षेत्रों में उनकी जड़ें मजबूत हैं, वो भ्रम भी आज टूट चुका है और कांग्रेस पार्टी के संगठन, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो काम किया, सरकार के कामकाज को लोगों ने पसंद किया है और ये अतिशोक्ति नहीं है कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। और ये जो शहरी नगर निकाय के चुनाव हैं ये बहुत उत्साह देने वाले चुनाव हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, सभी नेताओं ने काम किया और हमने टिकट वितरण से लेकर प्रचार सब हमारे ज़िले के नेताओं पर हमने जिम्मेदारी दी थी और सभी नेताओं ने जिम्मेदारी को निभाया है। हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए, जिन पर चुनाव लड़ा, जो विपक्ष के साथियों ने कोशिश करी चुनाव को डाइवर्ट करने की, भावनात्मक मुद्दों की बात करने की और ध्यान भटकाने की, वो लोग नाकाम रहे हैं। लेकिन अधिकांश जगहों पर एक प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कड़ी से कड़ी को जोड़ा है। और हमारे विरोधी साथियों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता जितना सक्रिय और मजबूत हम लोग विपक्ष में थे उससे ज़्यादा सक्रिय हम आज हैं और कांग्रेस संगठन को जो लोगों का आशीर्वाद मिला है कांग्रेस पार्टी को जीत के माध्यम से, वो हमेशा उसका हम आभार मानेंगे और दुगनी मेहनत से हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करेगी ताकि आने वाली सभी चुनौतियों का हम सामना कर सकें। जब निर्वाचन आयोग कुछ निर्णय लेता है जो उनको अपने प्रतिकूल नहीं लगता तो आरोप लगाते हैं और वही निर्वाचन आयोग जब यहाँ निर्णय ले रहा है तो उस पर उंगलियाँ उठा रहे हैं। मुझे लगता है जनता का जो जनादेश है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इसमें हंग असेंबली या हंग विधान या मैंडेट नहीं आया है। मैंडेट स्पष्ट है, एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है और अब कुछ दिनों के अंदर चुनाव होगा तो जो चुनाव का शेड्यूल है वो निर्वाचन आयोग ने तय किया है और उसमें मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति कुछ नहीं होनी चाहिए। अविश्वास बिल हनुमान बेनीवाल ने पास करवाया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब मेरे को डिटेल उस बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन जो भी पार्लियामेंट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के माध्यम से काम करेंगे। लेकिन हमारी सरकार और संगठन ने मिलकर जो पिछले 11 महीने में काम किया है उसी का परिणाम है कि आज लगातार चाहे वो उपचुनाव विधानसभा के हों, नागौर और झुंझुनू के, या फिर नगर निकाय के चुनाव हों, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कोशिश करी, सभी कोई कमी नहीं छोड़ी दुष्प्रचार फैलाने में, हम पर उंगली उठाने में, आरोप लगाने में, लेकिन जनता ने सारी बातें नकार कर एक प्रचंड बहुमत, प्रचंड आशीर्वाद दिया है, वो मैं समझता हूँ हमारे सबके लिए बहुत एक कीमती सौगात है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।